नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। तो 2017 का दिन उसके लिए भी याद किया जाएगा जब नाहरगढ़ किले में वही इस साल दो अच्छी खबरें भी मिली। आरसीए से बैन हट गया और आरपीएससी को नया चेयरमैन मिल गया। 24 नवंबर को नाहरगढ़ की बुर्ज पर हुई चेतन की मौत अभी पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने आत्महत्या के दूसरे दिन युवक की मौत को आत्महत्या बताया था और इसके बीच का आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माना था, लेकिन अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच पुलिस करने में जुटी है। वहीं चेतन के परिजनों ने थाने पर पहुंचकर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या करने की रिपोर्ट दी। ब्रह्मपुरी थाना पुलिस इसकी जांच कर रही है। चेतन की मौत को पद्मावती फिल्म के विवाद से जोड़े जाने को लेकर घटनास्थल पर पत्थरों पर विवादित बयान लिखे गए थे। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि चेतन पर दो कंपनियों का कर्ज था। इस कर्जे की किश्त हर महीने 6,000 रुपए आ रही थी। लोन लेने वाली कंपनी दिल्ली की है, लेकिन इस पूरी गुत्थी का सुलझना अभी बाकी है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना माना गया। ये भी लिखा गया कि जब वे रस्सी से लटका था तब वे जिंदा था। चेतन के दाहिने गाल, पैर और हाथ पर चोट के निशान मिले, लेकिन ऐसी चोट रस्सी के लटकने के दौरान भी लग सकती है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर चेतन द्वारा आत्महत्या करना माना है, लेकिन सच क्या है इसका खुलासा होना अभी बाकी है। छह दिसंबर को राजसमंद में एक निर्शंस हत्या और उसके वायरल वीडियो ने पूरे देश में हलचल मचा दी। इस वीडियो में शंभूलाल रैगर नाम का आरोपी बुजुर्ग मोहम्मद अफराजुल उर्फ भुट्टो शेख नाम के शख्स का बेरहमी से कत्ल करता दिखाई दिया। उसने कत्ल का बकायदा वीडियो भी बनवाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। आरोपी ने कुल 3 वीडियो अपने ही नाबालिग भांजे से शूट करवाए। एक कत्ल का लाइव वीडियो है तो 2 वीडियो कत्ल के पहले के हैं। इनमें से एक में वे वहशी दरिंदा अपनी नाबालिग भांजी को साथ में बैठाकर स्त्री सम्मान, लव जिहाद और देशभक्ति जैसे कई मुद्दों पर भाषणबाजी कर रहा है। कत्ल के वीडियो में आरोपी दावा कर रहा है कि अपनी बहन की बेइज्जती का बदला लेने के लिए और लव जिहाद को खत्म करने के लिए वो इस हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। आरोपी चेतावनी भी देता है कि हिंदू लड़कियों को पथ भ्रष्ट करने वालों का यही अंजाम होगा। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया और पुलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने लव जिहाद थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने आरोपी के किसी भी संगठन से जुड़े होने से इनकार किया। आईजी आनंद श्रीवास्तव ने खुद आरोपी से लंबी पूछताछ की। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन राजसमंद पुलिस ने उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री ने फौरन एक एसआईटी के गठन के आदेश भी जारी कर दिए थे। 11 दिसंबर का दिन आरसीए के लिए दीपावली लेकर आया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस शर्त पर राजस्थान क्रिकेट संघ पर लगा प्रतिबंध हटा दिया कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी इसके संचालन से दूर रहेंगे। बीसीसीआई के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना ने आयोजित बोर्ड की विशेष आम बैठक के बाद कहा कि कुछ शर्तों के साथ आरसीए पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। आरसीए को बीसीसीआई ने मई 2014 में ललित मोदी के द्वारा इसका अध्यक्ष चुने जाने के बाद निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद से आरसीए का कामकाज बीसीसीआई देख रहा है। आरसीआई ने इस निलंबन के खिलाफ अपील की थी, जिसमें बोर्ड ने कहा कि वे सभी लंबित मामलों को वापस ले और बीसीसीआई को किसी अन्य नए मामले में शामिल ना करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति ने राजस्थान क्रिकेट का संचालन करने के लिए गठित तदर्थ समिति को पहले ही भंग कर दिया। इससे आरसीए पर से प्रतिबंध हटाने का रास्ता साफ हो गया। 15 दिसंबर को आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रदेश को आरपीएससी का एक नया चेयरमैन मिल गया। अब इस नियुक्ति के बाद प्रदेश के युवाओं में भर्तियों को लेकर फिर से उत्साह जाग गया है। बता दें कि आरपीएससी चेयरमैन नहीं बनने से प्रदेश में भर्तियों में दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब इस सीट पर धौलपुर के डॉक्टर राधेश्याम गर्ग को प्रदेश का 31वां आरपीएससी चेयरमैन बना दिया गया।
डॉक्टर राधेश्याम गर्ग संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र धौलपुर के निवासी हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री ने जिस तरह से संघ में मुलाकात की थी, उसके बाद राधेश्याम गर्ग को आरपीएसए का चेयरमैन बना दिया गया। गर्ग के आरपीएसए चेयरमैन बनने के बाद अब प्रदेश में भर्तियों में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने की आस है। संघ से जुड़े डॉक्टर गर्ग पेशे से डॉक्टर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। वही निकाय पंचायत चुनाव ने बीजेपी को आईना दिखा दिया। गुर्जरों का 10 साल का सफर फिर वही पहुंच गया जहां 4 साल पहले था। बनास में बस गिरी तो 32 जाने हमेशा के लिए खामोश हो गई। बीजेपी ने भी अपने 4 बड़े नेताओं को खो दिया और आखिरकार डॉक्टर्स की हड़ताल भी खत्म हो गई। ये भी इस साल की बड़ी खबरें रही जो परछाई के तौर पर हमेशा 2017 के साथ चलती रहेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। 20 दिसंबर को आए निकाय पंचायत चुनावों के परिणामों ने बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी, क्योंकि राजस्थान के स्थानीय निकाय उपचुनाव में जिला परिषद की सभी 4 सीटों पर कब्जा कर लिया। स्थानीय निकायों के परिणामों में कांग्रेस ने सभी 4 जिला परिषद की सीटों, 27 में से 16 पंचायत समितियों और 6 नगर पालिकाओं की सीटों पर जीत हासिल की। वही सत्तारूढ़ भाजपा 10 पंचायत समिति और 7 नगर पालिका सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 जिला परिषद में से सत्ताधारी भाजपा के पास पिछले चुनाव में एक ही सीट थी, जो इस बार कांग्रेस की झोली में चली गई। स्थानीय निकाय उपचुनाव 19 जिलों के 27 पंचायत समितियों, 12 जिलों की 14 नगर पालिकाओं और 4 जिला परिषदों में गत 17 दिसंबर को मतदान हुआ था। वहीं 22 दिसंबर को राजस्थान सरकार ने गुर्जर सहित 5 जातियों को 50% की कानूनी सीमा के तहत 1% आरक्षण देने का फैसला किया। प्रदेश भाजपा सरकार ने एक सर्कुलर के माध्यम से गुरुवार को मंत्रिमंडल के स्वीकृति लेने के बाद इस बारे में निर्णय लिया। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि गुर्जर सहित 5 जातियों को अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत 1% आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा ने पिछले साल अक्टूबर में एक विधेयक के माध्यम से गुर्जर सहित अन्य 5 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के साथ आरक्षण देने के लिए आरक्षण 21% से बढ़ाकर 26% कर दिया था। इससे प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में दिया जाने वाला कुल आरक्षण बढ़कर 54% पहुंच गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस विधेयक पर रोक लगा दी थी। बाद में उच्चतम न्यायालय ने भी सरकार को 50% से ज्यादा आरक्षण सीमा को पार नहीं करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गुर्जर समाज वही पहुंच गया जहां से आरक्षण का मुद्दा शुरू हुआ था। बस एक फर्क पड़ा, SBC के नाम को बदलकर MBC कर दिया गया। 23 दिसंबर को राजस्थान के सवाई माधोपुर के पास एक मिनी बस नदी में गिर गई। इस हादसे में 32 लोगों की मौत हो गई, वहीं 8 लोग जख्मी हैं। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। जो लोग जख्मी हुए उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मरने वालों में मध्य प्रदेश के लोग भी शामिल थे। ये हादसा सुबह 6:15 पर हुआ। सवाई माधोपुर के पास दुबी इलाके में बनास नदी पर बने पुल पर यह हादसा हुआ। बस पुल से नदी में गिर गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वे सवाई माधोपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। इस दौरान हादसे की कई थ्योरी सामने आई। एक थ्योरी कहती है कि बस को ड्राइवर ने अपने नाबालिग कंडक्टर को बस चलाने को दी थी। पुल पर बस कंट्रोल से बाहर हो गई और वे रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। वहीं कंडक्टर की उम्र 16 साल बताई जा रही है, लेकिन पुलिस के मुताबिक कंडक्टर भी बालिग था। दूसरी थ्योरी कहती है कि ओवरटेक के चक्कर में संतुलन बिगड़ने से ये हादसा हो गया। इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए। वहीं सरकार की तरफ से मरने वालों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की सहायता राशि की घोषणा की गई, लेकिन इस हादसे से पूरा प्रदेश शोक में डूब गया। 2017 के अंतिम महीने दिसंबर की 27 तारीख प्रदेश के लिए राहत भरी खबर लेकर आया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से चल रही सेवारत चिकित्सकों की हड़ताल समाप्त हो गई। सेवारत चिकित्सक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौधरी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक पनामी ने इस हड़ताल के खात्मे का ऐलान किया। करीब 9 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक के बाद सरकार ने सेवारत और रेजिडेंट डॉक्टर्स की सभी मांगों पर सहमति जता दी। अशोक परनामी ने कहा
कि समझौता पत्र में सेवारत के साथ 12 नवंबर को हुए समझौते की सभी मांगों को सरकार ने माना है। वहीं अजय चौधरी का ट्रांसफर निरस्त करते हुए उन्हें सीकर से एमएचओ बना दिया गया। साथ ही अन्य चिकित्सकों के तबादले भी निरस्त कर दिए गए। चिकित्सक जितने भी दिन हड़ताल पर रहे उनको अवकाश में तब्दील किया जाएगा। चिकित्सकों पर लगी रेशमा को सरकार ने हटाते हुए उन पर दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का ऐलान किया। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद पर चिकित्सक को पद स्थापित करने की मांग भी मानी गई। इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांगों को भी यहां सरकार ने स्वीकार किया और लंबे वक्त से दोनों तरफ से चली आ रही हट धर्मिता खत्म हो गई। आपस में गले मिलकर मिठाइयां भी बांटी गई, लेकिन प्रदेश के अस्पतालों में कुछ जिंदगियां थी जो पीछे छूट गई। इस साल प्रदेश की जनता ने 4 नेताओं को भी खो दिया। इस साल 4 बड़े नेताओं का देहांत हुआ। रामदास अग्रवाल, सांवरलाल जाट, दिगंबर सिंह, कीर्ति कुमारी का निधन हो गया। 26 जनवरी को राजस्थान से भाजपा के दिग्गज नेता और अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष रामदास अग्रवाल का निधन हुआ। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामदास अग्रवाल ने जयपुर में सीताबाड़ी स्थित अपने घर पर बुधवार देर रात 12:30 बजे अंतिम सांस ली। 80 वर्षीय अग्रवाल पिछले एक साल से फेफड़ों में संक्रमण की बीमारी से संघर्ष कर रहे थे। वहीं 9 अगस्त को मोदी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री रहे और अजमेर से भाजपा सांसद सांवरलाल जाट का दिल्ली में निधन हो गया। आपको बता दें कि पिछले महीने 22 जुलाई को राजस्थान की राजधानी जयपुर में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में सांवरलाल जाट बेहोश होकर गिर पड़े थे। उनकी बिगड़ती तबीयत देखते हुए तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई और एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया। सांवरलाल जाट अजमेर से लोकसभा सांसद रहे। वे मोदी सरकार में जल संसाधन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। अगस्त के महीने में ही 28 तारीख को राजस्थान की मांडलगढ़ से बीजेपी विधायक कीर्ति कुमारी की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। विधायक कीर्ति कुमारी का राजधानी जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। कीर्ति कुमारी पिछले कुछ दिन पहले ही H1N1 वायरस की चपेट में आई थी और स्वाइन फ्लू की पहचान होने के बाद से ही उनका इलाज जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा था। कीर्ति कुमारी राजस्थान विधानसभा की कई कमेटियों के साथ साथ संगठन में भी महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं। इसके अलावा 27 अक्टूबर को भाजपा के कद्दावर जाट नेता और पिछली सरकार में स्वास्थ्य व उद्योग मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह का जयपुर में निधन हो गया। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित चल रहे डॉक्टर सिंह वर्तमान में राज्य के 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति के उपाध्यक्ष थे। डॉक्टर सिंह ने जयपुर के EHCC अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार उनके गृह जिले भरतपुर में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और इसी के साथ ही परछाइयां 2017 में बस इतना ही। नमस्कार।